कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन करते रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 नपुंसक लिंग, जो कि हमने परिभाषा और उनके कुछ शब्दों को पढ़ा। आज हम पुनः उनके शब्द वचन सहित पढ़ने जा रहे हैं। पुष्पम, फूल। पुष्पे, दो फूल। पुष्पाणी, बहुत से फूल। ग्रहम, घर। ग्रहे, दो घर। ग्रहाणी, बहुत से घर। चक्रम, पहिया। एक वचन का है, एक पहिया। चक्रे, दो पहिए। चक्राणी, बहुत से पहिए। नेत्रम, आँख। नेत्रे, दो आँख। नेत्राणी, बहुत सी आँखें, अर्थात सिर्फ हम आँखें भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमें नपुंसक लिंग के वचन का ज्ञान किया। अब हम नपुंसक लिंग के अन्य एकवचन के शब्दों को पढ़ते हैं। यह सिर्फ नपुंसक लिंग एकवचन के शब्द हैं। पत्रम, पत्ता। उद्यानम, बगीचा। आम्रम, आम। वस्त्रम, वस्त्र। दूरदर्शनम, दूरदर्शन। नक्षत्रम, नक्षत्र। शाकम, सब्जी। वायुयानम, वायुयान। रुप्यकम, रुपया। यह सिर्फ एकवचन के रूप है। यदि हमें मूल शब्द छांटने को कहे तो पत्रम में पत्र मूल शब्द है, उद्यानम में उद्यान मूल शब्द, आम्रम आम्र, वस्त्रम वस्त्र, दूरदर्शनम दूरदर्शन, नक्षत्रम नक्षत्र, शाकम सब्जी, वायुयानम वायुयान। शाकम में मूल शब्द शाक है, रुप्यकम रुप्यक। इस प्रकार से यह मूल शब्द है और जो कि यह एकवचन का बनने पर इसमें म जुड़ता है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में इनके प्रत्यय भी पढ़े थे कि एकवचन में इसके पीछे म जुड़ता है, द्विवचन में एक ही मात्रा और बहुवचन में आनी प्रत्यय जुड़ता है। इस प्रकार से ये प्रत्यय लगाने से हम नपुंसक लिंग के शब्द आसानी से बना सकते हैं। तो छात्रों, आप इनके प्रत्ययों का अच्छी तरह से अभ्यास करें। यदि आपने एक नपुंसक लिंग का शब्द याद किया तो आप अन्य नपुंसक लिंग के शब्द बना सकते हैं। चलिए अब हम रिवीजन करते हैं शब्दार्थ का। मित्रम, मित्र। पुष्पम, फूल। चक्रम, चक्र या पहिया भी कह सकते हैं। दूरदर्शनम, टीवी। शाकम, सब्जी। कंदुकम, गेंद। ग्रहम, घर। नेत्रम, आँख। वस्त्रम, कपड़ा। रुपयकम, रुपया। प्रीवियस वीडियोस में जो हमने पढ़ा उसको फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगी। तो नपुंसक लिंग की परिभाषा बताने जा रही हूँ। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं चलता है, उन शब्दों को नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। सीधे अर्थों में यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनसे हमें, जिनमें हलचल पैदा नहीं होती है, वे कहलाते हैं नपुंसक लिंग के शब्द। कि जिन शब्दों से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है वही नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जिस प्रकार से हमें यहाँ उदाहरण दिया है तो हम इन उदाहरण के द्वारा जानेंगे कि नपुंसक लिंग वाले शब्द कौन कौन से हैं। पहला शब्द है हमारा फल। फल से बना है एकवचन में फलम। यानी हमें एकवचन का बनाना होता है तब सिर्फ हमें जो मूल शब्द है उसके पीछे मा प्रत्यय जोड़ना होता है। द्विवचन का यदि रूप बनाना है नपुंसक लिंग में तो एक ही मात्रा जुड़ेगी, बनेगा फले। और बहुवचन का यदि हमें
शब्द बनाना है तो फल शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ने से बनेगा फलानी, फलम फले फलानी। तो यह ज्ञात होता है कि फल जो है एक नपुंसक लिंग का शब्द है और जब हम इसके वचन के अनुसार रूप चलाते हैं तो बनेगा फलम फले फलानी। दूसरा शब्द है मित्रम, मित्र शब्द है और एक वचन में म प्रत्यय जुड़कर बना मित्रम, एक ही मात्रा जुड़कर बनी मित्रे और आनी प्रत्यय जुड़कर बना मित्राणी, एक मित्र दो मित्र और बहुत से मित्र। अब हम इनके प्रत्यय को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। नपुंसक लिंग के जो प्रत्यय होते हैं वह स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के शब्दों के प्रत्ययों से अलग होते हैं। एक वचन में पढ़ा हमने म प्रत्यय जुड़ता है, द्विवचन में एक की मात्रा, बहुवचन में आनी प्रत्यय। और विशेष रूप से ध्यान रखना है ईशा रा और श के बाद आने वाला न ण में बदल जाता है। यदि किसी शब्द में श र और श शब्द आता है, ये वर्ण आते हैं, तो उसमें आने वाला जो न वर्ण है वह ण में बदल जाता है। जिस प्रकार से एक मैं उदाहरण देती हूँ कि राम शब्द है और जब राम की हम तृतीय विभक्ति चलाते हैं तो बनता है रामेण, तो जो न शब्द बनता है वह यहाँ पर न में बदल गया है। और उसका रीजन क्या रहा है, इसमें र शब्द आया, र वर्ण आया है इसलिए। और अब हम उसी का ही यदि बालक शब्द की तृतीय विभक्ति बनाते हैं तो बनता है उसमें बालके न, तो इसका कारण यहाँ पे न न बनकर के न नहीं बन न ही रहा, तो इसका क्या कारण रहा है, तो इसका कारण यह है कि इस बालक शब्द में न तो श आया है, न ही र आया है और न ही ये श आया है, यानी तीनों ही वर्णों में से कोई भी वर्ण नहीं आया है बालक शब्द में, इसलिए वहाँ पर न का न ही रहा है, वह न का ण नहीं बना है। तो यह बात आपको एक विशेष नॉलेज देती है, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखें कि जब किसी भी शब्द में श र और श आता है तो जो न जो है उसमें आने वाला न वर्ण ण में बदल जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुस्तक और म प्रत्यय जुड़ने पर बना पुस्तकम, एक ही मात्रा जुड़ने पर पुस्तके और आ की आनी जुड़ने पर बना पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, एक पुस्तक दो पुस्तके बहुत सी पुस्तके। अब हम इसी पुस्तक के अनुसार अब हम चित्र शब्द दिया है, यदि हम चित्र के रूप बनाते हैं तो किस प्रकार बनेंगे। चित्र मूल शब्द, इसमें हमने म प्रत्यय जोड़ा, बन गया चित्रम। चित्र मूल शब्द उसमें एक ही मात्रा जोड़ी, बना चित्रे। चित्र मूल शब्द इसमें आनी प्रत्यय जोड़ा, बना चित्राणी। अब यही देख लीजिए आप, यहाँ पे चित्राणी में यहाँ पे र आया है इसलिए यहाँ पे न नहीं आ सकती, यहाँ पे ण का प्रयोग हुआ है। कंदुकम गेंद, कंदुक मूल शब्द म प्रत्यय जुड़ा, बना कंदुकम। कंदुक मूल शब्द एक ही मात्रा जुड़ने पर द्विवचन का रूप बना कंदुके, दो गेंदे। कंदुकानी, कंदुक मूल शब्द आनी प्रत्यय जुड़ने से बना कंदुकानी, बहुत सी गेंदे। अब यहाँ पर न ही रहा है, यहाँ पे ण नहीं बना है, तो इसका कारण याद है, यहाँ न तो र आया है, शक्कर वाला आया हो ना ही शक्कर वाला आया है, तो हमें यह बात याद रखना है। तो छात्रों, जो आपको मैंने आज रिवीजन कराया है आप इनका रिवीजन अवश्य करें, शायद आपको अब तो अच्छी तरह से यह चैप्टर याद हो गया होगा, कम से कम दो से तीन बार हमने इस चैप्टर को रिपीट कर लिया है, आप भी रिपीट करेंगे तो यह फोर्थ टाइम आपका रिपीट होगा। तो इस प्रकार से आप जितना अधिक रिपीट करेंगे आपको और अच्छे से याद होता जाएगा, इसलिए आप रिपीट अवश्य करें और यूटी के लिए पूरे चैप्टर का अभ्यास करें। धन्यवाद।